पंजाब में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कमल के फूल पर चुनाव लड़ रहे अकाली भाजपा के सांझे उम्मीदवारों के समर्थन में लोगों को संबोधन करने के लिए आए देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अबोहर से उम्मीदवार अरुण नरंग और फाजिल्का में सुरजीत जियानी के हक में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि कोई भी सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते कि देश की गिनी चुनी राजनीतिक हस्तियों में यदि किसी का नाम लिया जाता है तो वह इसी पंजाब की कोख से पैदा हुए सरदार प्रकाश सिंह बादल का नाम लिया जाता है। सरदार बादल का सम्मान सारे देश की जनता करती है। इतना बड़ा नेता और उम्र वाले, क्या कांग्रेस और आप यही चाहती है कि उनके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए? क्या यही मानवता है? क्या यही शिष्टाचार है? गृह मंत्री ने पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि बाज आ जाए, नहीं तो हमारे देश की सेना अगर देश के इस पार से लड़ने की ताकत रखती है तो वे देश के उस पार से भी लड़ने की ताकत रखती है। कोई भी हिंदुस्तान का राज्य किसानों को मुफ्त में बिजली मुहैया नहीं कराता है, केवल कराता है तो पंजाब कराता है। केवल दाल चावल रोटी से मजबूत नहीं होगा, उसे घी चाहिए, इसलिए 2 किलो घी मुहैया कराने का भी वादा किया। हाउसिंग स्कीम होगी, ग्रुप हाउसिंग स्कीम होगी, ऐसे कई वादे आप बना कर रखिए। वह आन बान शान लगातार आगे बढ़ती रहनी चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि केंद्र में तो आप लोगों ने हम लोगों की सरकार बना दी है, इस बार यहां पर भी शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनाइए और हमारे नारंग जी, अरुण नारंग, इनको वोट दे देंगे। पक्का? पक्का? तो बहनों भाइयों, यदि अरुण नारंग को आप पसंद करते हैं तो मैं कहूंगा कि आगे से लेकर पीछे तक हाथ उठाकर तालियां बजाकर एक बार इन्हें अपना समर्थन दे दीजिए। मैं यही अपील आप सबसे करना चाहूंगा। राजनाथ जी आने का लोगों के बड़ा उत्साह है और राजनाथ जी जो गल्ला कही लोगों बड़े दिल में छुई है और लोग राजनाथ जी गल मनते हुए 4 तारीख को वोट कमल के फुल आएंगे। फाजिल्का से जाट टीवी न्यूज के लिए कैमरामैन सुरेंद्र के साथ रंजीत सिंह की रिपोर्ट।